आदेश आदेश आदेश। 12 तारीख को लाभ पंचमी है, जिसको सौभाग्य पंचमी भी बोला जाता है, ज्ञान पंचमी भी बोला जाता है। उसी दिन विश्व निमोनिया दिवस भी है। 13 तारीख को छठ माई की महापूजा सूर्य षष्ठी है। 14 तारीख को बाल दिन जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस। 15 तारीख को जलाराम जयंती। 16 तारीख को दुर्गाष्टमी, गोपाष्टमी और राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी है। 17 तारीख को रंग अवतरती की भी जयंती है। 12 तारीख को लाभ पंचमी की बात करें तो दिवाली के उपरांत पांचवें दिन लाभ पंचमी, गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजन होती है और धंधे रोजगार की शुरुआत होती है। ये अक्सर ज्यादातर गुजरात में होता है। सूर्य षष्ठी की बात करें तो ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में और नेपाल में छठ पूजा होती है। ये सूर्य नारायण की पूजा है। सूर्य नारायण के द्वारा इस समय में जो अल्ट्रावायलेट किरण है वो निकलते हैं, उससे कृपा दृष्टि पाने के लिए और उससे बचने के लिए ये पूजन की व्यवस्था ऋषि मुनियों ने पहले से की है। प्रथम हमारे प्रधानमंत्री महोदय श्री बड़ा प्रधान जो थे, वो जवाहरलाल नेहरू, जो चाचा नेहरू के प्यारे नाम से जाने जाते थे, उनकी याद में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। वो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रथम बड़ा प्रधान रहे। जलाराम जयंती, अक्सर जलाराम जी का जन्म गुजरात में हुआ था और 1856 ईस्वी सन, विक्रम संवत ईस्वी सन 1856 में जन्म हुआ था। वो लोहाना समाज के ठक्कर ज्ञाति के थे। इन्होंने राम नाम की मेहर लगाई और जो भूखे को अन्न देने की एक मुहिम चालू की थी और आज बहुत बड़ा नाम, एक संत के तौर पे इनको नमन। 17 तारीख को रंग अवधूत जी की जयंती है। दत्त के बड़े उपासकों में जिनका नाम आता है वो रंग अवधूत जी थे। 21 नवंबर 1898 में इनका जन्म हुआ था और 19 नवंबर 1968 में वो ब्रह्मलीन हो गए। गुजरात के गोधरा में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने देश की कई चरवड़ों में, असहकार चरवड़ों में काम किया, एसएससी तक का अभ्यास किया था, उस समय में मैट्रिक पास किया था। इसके बाद में शिक्षक की नौकरी थी, नौकरी भी छोड़ दी और नौकरी के छोड़ने के पश्चात उन्होंने संन्यास जीवन का स्वीकार किया और नर्मदा नदी के किनारे नारेश्वर नाम के स्थल पे इन्होंने वासुदेवानंद सरस्वती के आश्रम निश्रा में एक आश्रम की शुरुआत की। उन्होंने दत्त पे बहुत अभ्यास किया, दत्त की बहुत सेवा, आध्यात्म के रूप से दत्त भगवान की बहुत प्रकार से उन्होंने वंदनीय बातें लिखी है और दत्त के बारे में दत्त पावनी भी इन्होंने बनाई है जो कोई नहीं भूल सकता। इसी दिन 17 तारीख को विश्व अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस भी है, याद रखने की जरूरत है। जो स्टूडेंट है उन सबको मेरी ओर से खूब खूब अभिनंदन, क्योंकि विद्यार्थी कौन नहीं होता। आदमी जन्म लेता है तब से मरता है तब तक रोज कुछ न कुछ सीखता है, बस विद्यार्थी की उम्र कभी नहीं होती। विद्यार्थियों को, समाज के सर्व लोगों को मेरी ओर से नए साल, हमारे गुजरातियों की ओर से तो नया साल ही बोला जाता है, ये शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशहाली बरसे और आप बहुत अच्छी तरह से आपके जीवन में प्रगति करो, स्वस्थ अच्छा रहे और मन स्वस्थ रहे, ऐसी प्रभु को प्रार्थना। अस्तु, शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।